जरा सोचो तुम्हें जेल में 500 करोड़ का सोना मिल जाए, लेकिन इतना सोना जेल से बाहर कैसे आएगा ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है जोंग नाम के एक राइटर से जो फिल्मों की कहानियां लिखता था। जोंग अपने प्रोड्यूसर से मिलने एक कसीनो में गया जहां प्रोड्यूसर किसी दूसरे राइटर को पीट रहा था क्योंकि उसने समय पर कहानी पूरी नहीं लिखी थी। इधर जोंग की कहानी भी अब तक अधूरी थी, इसीलिए उसने प्रोड्यूसर से एक महीने की मोहलत मांगी, पर प्रोड्यूसर ने सिर्फ 4 दिन का समय देकर कहा कि अगर 4 दिन में पूरी कहानी नहीं मिली ना तो मेरे सारे पैसे वापस कर दियो। जोंग ने घर जाते ही काम शुरू कर दिया, पर वो कुछ भी ढंग का नहीं लिख पा रहा था। तभी उसे अपने दादा का भेजा हुआ एक बॉक्स दिखाई दिया। उसमें एक खत था जिसे पढ़ते पढ़ते जोंग को नींद आ गई और अपने सपने में उसने देखा कि उसके दादा उसे उसके पूर्वजों की कहानी सुना रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके पुश्तैनी घर के नीचे करोड़ों का सोना दबा हुआ है, लेकिन फिर सरकार ने उस घर को तोड़कर वहां जेल बना दी थी। तभी अचानक जोंग की आंख खुल गई और उसे एहसास हुआ कि सपने की हर एक बात बिल्कुल सच्ची थी, क्योंकि उस बक्से के अंदर से एक नक्शा निकला जो बिल्कुल जेल के नक्शे से मिलता था। अब जोंग ने सोच लिया कि वो कुछ भी करके अपने पुश्तैनी सोने को हासिल करके रहेगा। अब वो बस इस गरीबी की जिंदगी से बाहर निकलना चाहता था। इसके लिए उसे जेल के अंदर घुसने की जरूरत थी, तो उसने अपने पड़ोसी का लैपटॉप छत से नीचे फेंक दिया और इस टुच्ची सी वजह के लिए भी उसे जेल में भेज दिया गया। जेल में उसने देखा कि कई कैदी क्रैब नाम के कैदी का जन्मदिन मना रहे थे। फिर क्रैब जोंग से मिला और उसने बताया कि उसका भी जोंग नाम का एक बहुत करीबी दोस्त था, इसीलिए क्रैब ने जोंग को अपना दोस्त बनाकर हमेशा उसकी रक्षा करने का वादा किया। बाद में जोंग जेल में मौजूद बरगद के पेड़ के पास गया क्योंकि उसके आसपास ही एक पुराना कुआं था जिसके अंदर वो खजाना छिपा था। तभी वहां एक और कैदी जोंग के पास आया और उसने बताया कि इस जेल के अंदर 2 बहुत ही ताकतवर ग्रुप्स हैं जिनमें काफी समय से बिना बात के दुश्मनी चलती रहती है। उसने कहा कि जोंग को यहां जिंदा रहने के लिए किसी एक ग्रुप में तो शामिल होना ही पड़ेगा। पहली गैंग तो क्रैब की ही थी और वो किसी भी हाल में अपने साथी की हमेशा रक्षा करते थे। वहीं दूसरी गैंग का लीडर था बाओ नाम का एक खतरनाक कैदी। ये सुनकर जोंग ने कहा कि वो किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि वो तो यहाँ बस अपना सोना ढूंढने आया है। पर जल्द ही बाओ के आदमी जोंग और बाकी नए कैदियों को पकड़कर बाओ के सामने ले आए। उन्होंने जबरदस्ती सबके ऊपर बाओ की गैंग में शामिल होने का दबाव बनाया और मजबूरन जोंग को भी राजी होना पड़ा। अब बाओ की गैंग में शामिल होने के लिए कैदियों को बाओ की थूकी हुई चाय पीनी पड़ती थी। जब जोंग की चाय पीने की बारी आई तो अचानक क्रैब और उसके आदमी जोंग को बचाने आ गए। क्रैब ने कहा कि जोंग मेरे कमरे में रहता है, इसीलिए वो मेरी गैंग का हिस्सा हुआ। ये देखकर बाओ गुस्से से तिलमिला उठा और उसने जोंग की जिंदगी बर्बाद करने का फैसला कर लिया। फिर अगले दिन बाओ ने जबरदस्ती जोंग को कॉकरोचेस वाला दलिया खाने पर मजबूर किया, पर ये सब क्रैब ने देख लिया और अचानक दोनों गैंग्स के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। खैर अगले दिन जोंग को साफ सफाई का काम मिला और मौके का फायदा उठाकर उसने पुराना कुआं खोजने की कोशिश की जिसके आसपास खजाना छिपा हुआ था, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो नाकामयाब रहा। अब सुरंग खोजते खोजते वो लाइब्रेरी तक आ पहुंचा, पर बदकिस्मती से बाओ भी यहां था और उसके आदमियों ने जोंग को बुरी तरह पीटा। फिर शाम को क्रैब ने बाओ से पूछा कि जोंग की ड्यूटी खत्म होने के बाद भी वो अपने कमरे में क्यों नहीं लौटा था। क्रैब को शक था कि बाओ ने जोंग को नुकसान पहुंचाया होगा। इस बार बाओ ने कहा कि वो जानता है कि जोंग कहाँ है, पर ये बताने से पहले क्रैब को बाओ की थूकी हुई चाय पीनी होगी। ना चाहते हुए भी क्रैब को उसकी बात माननी पड़ी और अंत में बाओ ने उसे बताया कि जोंग कूड़ेदान में पड़ा है। जोंग कूड़ेदान में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था कि ऐन वक्त पर क्रैब ने जोंग की जान बचाई। उसकी हालत देखकर क्रैब ने फैसला किया कि वो बाओ से बदला जरूर लेगा। इस पर जोंग भी राजी हो गया क्योंकि शायद दोनों गैंग्स की लड़ाई में शायद उसे स्टोर रूम से जेल का नया नक्शा मिल जाए जिसकी मदद से वो शायद पुराने कुएं को ढूंढ पाएगा। फिर जैसे ही दोनों गैंग्स आपस में भिड़ी, जोंग ने मौका पाते ही गार्ड से स्टोर रूम की चाबी चुरा ली, पर इससे पहले कि वो स्टोर रूम खोलता बाओ ने उसे पकड़ लिया। फिर बाद में जोंग ने क्रैब से कहा कि तुम्हें मेरी रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब से तुमने मुझे अपने साथ शामिल किया है तब से मेरी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ये सुनकर क्रैब को धक्का लगा और वो एकदम शांत हो गया। कुछ देर बाद क्रैब ने जोंग से माफी मांगी और कहा कि उसके लिए अपने साथियों की रक्षा से बढ़कर और कुछ नहीं है, इसीलिए उसने गुस्से में बाओ से पंगा ले लिया। फिर क्रैब ने उसे अपनी पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले उसका जोंग नाम का एक दोस्त हुआ करता था जिसने क्रैब को गैंगस्टर्स से बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। उस दिन क्रैब ने अपने साथियों की रक्षा करने की कसम खा ली थी। ये सब सुनकर जोंग को भी बुरा लगा और आखिरकार उसने क्रैब को जेल में आने का अपना असली मकसद बताया। वो जेल की बेसमेंट में छिपा अपना सोना लेकर यहाँ से भागना चाहता था। ये सुनकर क्रैब ने सोना ढूंढने में जोंग की मदद करने का फैसला किया।
और उसने ये भी कहा कि उसे सोने का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। अब प्लान के मुताबिक जोंग ने स्टोर रूम के गार्ड की गर्दन पर केमिकल छिड़क दिया जिससे उसे एलर्जी हो जाए। इसी वजह से उसे तुरंत मेडिकल रूम ले जाया गया। मौका देखकर जोंग ने उसकी यूनिफॉर्म चुरा लिया और गार्ड का भेस बनाकर स्टोर रूम में घुस गया। वहां उसे जेल का नया नक्शा मिला जिसके मुताबिक पुराना कुआं लॉन्ड्री रूम में था। इसके बाद जोंग और क्रैब पुराने कुएं तक पहुंच तो गए, पर अब उनके सामने एक दीवार थी। उन्हें यकीन था कि सोना इसी दीवार के पीछे होगा। जल्द ही उन्होंने हथौड़े मार मार कर दीवार तोड़ डाली। फिर जोंग सोने की तलाश में तुरंत अंदर घुसा, पर काफी देर घूमने के बाद भी उसे सोना कहीं दिखाई नहीं दिया। अंत में उन्हें दीवार में एक सुंदर लकड़ी दिखाई दी। जोंग अब तक हिम्मत हार चुका था, इसीलिए उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया और जाते जाते क्रैब ने वो लकड़ी निकाल ली। मगर उस लकड़ी को निकालते ही उनके सामने सोने के 100 टुकड़े आ गए जिनकी कीमत 500 करोड़ से भी ज्यादा थी। जोंग ने कुछ बार्स क्रैब को दिए, पर उसने इनकार करते हुए कहा कि इस पर उसका कोई हक नहीं है। इसके बाद उन्होंने कपड़े ले जाने वाली मशीन के साथ इन बार्स को जेल से बाहर निकालने का फैसला किया। ये मशीन 22 तारीख को जेल से बाहर एक वेयर हाउस में जाने वाली थी और इसी दिन जोंग जेल से रिहा भी होने वाला था। अब उनका प्लान एकदम तैयार था और क्रैब काफी खुश था क्योंकि सोने की मदद से जोंग अपना कर्ज उतार कर फिल्में बनाने का अपना सपना पूरा कर सकता है। क्रैब का साफ दिल देखकर जोंग ने बाहर जाकर उसके साथ एक रेस्टोरेंट खोलने का वादा किया, पर अगले दिन बाओ और उसकी गैंग ने जोंग और क्रैब पर हमला कर दिया और भयानक लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच जोंग के छिपाए हुए सोने के टुकड़े बाओ के हाथ लग गए, पर तभी अचानक गार्ड्स वहां आ गए, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने सोना छुपा दिया। अब जोंग सोने के बारे में सोच रहा था कि बाओ ने गार्ड्स को झूठी कहानी सुनाकर कहा कि जोंग का पैर फिसल गया था, इसीलिए वो तो जोंग की मदद करने आया है। इस पर जोंग ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी और ये देखकर क्रैब को एहसास हुआ कि जोंग के लिए सोने से बढ़कर और कुछ नहीं है। इस बात का क्रैब को बहुत बुरा लगा और उसने मन ही मन जोंग से दोस्ती तोड़ दी। कुछ समय बाद क्रैब को खबर मिली कि उसकी बेटी की हालत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर वो जोंग से मिलने गया। उस वक्त जोंग और बाओ सोना लेकर जेल से भागने का प्लान बना रहे थे। अब क्रैब ने भी उनके प्लान में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, पर उसे सोना नहीं चाहिए था बल्कि उसे तो जेल से जल्द भागना था। वो बस अपनी बेटी के पास जाना चाहता था। पहले तो बाओ ने क्रैब के साथ मिलकर काम करने से इनकार कर दिया, पर फिर जोंग ने उसे मना लिया। इसके बाद उन्होंने 3 हफ्ते बाद होने वाली जेल की एनिवर्सरी पार्टी के दौरान सुरंग से होते हुए समुद्र के रास्ते से भागने का प्लान बनाया। उन्होंने सोने के बार्स अपने कपड़ों में छुपा लिए, पर जेल की एनिवर्सरी में 3 हफ्ते बाकी थे और जोंग तो 1 हफ्ते में रिहा होने वाला था, इसीलिए उसने अपनी सजा बढ़वाने का प्लान बनाया। इसके बाद जोंग, क्रैब और बाओ ने जानबूझकर आपस में लड़ाई करके हंगामा कर दिया। जल्द ही गार्ड्स ने वहां आकर सबको अपने अपने कमरे में भेज दिया। अब लड़ाई में शामिल होने के कारण जोंग की सजा बढ़ा दी गई। जल्द ही पार्टी का दिन आ गया और उन्होंने क्लोरीन गैस के गुब्बारे फुलाए ताकि उनमें आग लगाकर वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। जब हेड गार्ड भाषण दे रहा था तो अचानक गुब्बारों में धमाका हो गया और इसी मौके का फायदा उठाकर जोंग, क्रैब और बाओ सुरंग के रास्ते से निकल पड़े। पर रास्ते में जोंग को चोट लग गई तो क्रैब ने प्लास्टिक से उसके घाव को बंद किया। इसके बाद उन्होंने जैसे तैसे सुरंगों के बीच रास्ता ढूंढा और मिलकर आगे बढ़ते रहे। आखिरकार उनके सामने एक बड़ा दरवाजा आया जिसके उस पार समुद्र था। उधर गार्ड्स को भी भनक लग गई थी कि 3 कैदी गायब हैं, इसीलिए वो चारों ओर उन्हें ढूंढने लगे। इधर उन तीनों ने अपने बनाए बॉम्ब से धमाका करके दरवाजे को उड़ा दिया और समुद्र में कूद कर भागने को तैयार हो गए। नीचे बाओ के आदमियों की कश्ती उनका इंतजार कर रही थी। उसी समय बाओ ने अपना चाकू निकाला क्योंकि वो क्रैब और जोंग को मारकर सारा सोना हथियाना चाहता था। बाओ ने क्रैब पर वार किया, पर जोंग बीच में आ गया और फिर तीनों में लड़ाई शुरू हो गई। अंत में जोंग ने बाओ से कहा कि तुम सारा सोना ले जाओ मगर हमें जिंदा छोड़ दो, मगर बाओ क्रैब को समुद्र में फेंकना चाहता था। उसने क्रैब को धक्का दे दिया, पर खुशकिस्मती से क्रैब ने एक रस्सी पकड़ ली जिसका दूसरा हिस्सा जोंग ने पकड़ा हुआ था। अब बाओ दोनों की मजबूरी पर हंस रहा था, पर अचानक मौका पाकर क्रैब ने बाओ को ही समुद्र में फेंक दिया। फिर जोंग ने पूरे जी जान से क्रैब को ऊपर खींचने की कोशिश की और तब उसे एहसास होता है कि क्रैब ने शुरुआत से लेकर अब तक एक सच्चे दोस्त की तरह हमेशा उसका साथ दिया था। आखिरकार उसकी कोशिश कामयाब रही और उसने क्रैब को ऊपर खींच ही लिया। तभी उन्हें ढूंढते हुए गार्ड्स भी वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही जोंग और क्रैब ने खुद को उनके हवाले कर दिया। फिर कुछ दिन बाद क्रैब को खबर मिली कि उसकी बेटी की सर्जरी कामयाब रही और अब वो बिल्कुल ठीक है। जल्द ही उसे गार्ड्स के साथ अपनी बेटी से मिलने की इजाजत भी मिल गई। इधर जोंग को पता चला कि जो सोना समुद्र में गिरकर खो गया था वो मिल गया है और अब जोंग ही उसका सच्चा हकदार है। आखिरकार जोंग का करोड़पति बनने का सपना पूरा हो गया और अब वो क्रैब के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलेगा।
भले ही सोने को ढूंढने के लिए उसे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो, पर इसी कारण उसे क्रैब के रूप में एक सच्चा दोस्त मिल गया था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।